कम बैक अग्राउंड जेनर रूबी क्यूब्स दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला खिलौना है। ये ऐसा खिलौना है जो आपके दिमाग की अच्छे खासी कसरत करा देता है, और आपने कभी ना कभी इस रूबी क्यूब के साथ अपना दिमाग जरूर उलझा होगा, और आशा करता हूँ कि इसे सुलझाने में भी आप जरूर सफल रहे होंगे अगर आप होमस्टेड चैनल को रेगुलर देखते होंगे तो। लेकिन क्या आप जानते हैं इस रूबी क्यूब का इन्वेंट किसने किया और इसके इन्वेंटर कौन थे? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में रूबी क्यूब के इन्वेंटर के बारे में और कुछ उसके फैक्ट्स के बारे में। मेरे साथ मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं होमस्टेड। रूबी क्यूब एक 3D पजल गेम है जिसमें 6 भाग होते हैं और हर भाग अलग अलग रंग के ट्यूब के टुकड़ों से बना होता है। रंग का कॉम्बिनेशन इस रूबी क्यूब में इस तरह से करना होता है कि लगभग हर एक भाग आपका एक ही रंग जैसा हो जाए। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि रूबी क्यूब्स का आविष्कार किसने किया। रूबी क्यूब्स का आविष्कार 1974 में हंगेरी बुडापेस्ट कॉलेज ऑफ अप्लाइड आर्ट्स के आर्किटेक्चर के प्रोफेसर एंड्रो रूबिक्स ने किया था। मुझे पर्सनली इनका नाम काफी पसंद है, एंड्रो रूबिक्स, काफी कूल साउंड होता है। एंड्रो रूबिक ने यह आविष्कार एक टॉय के तौर पर नहीं किया था। एंड्रो रूबिक अपने स्टूडेंट को एक आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से थर्ड डायमेंशनल जियोमेट्रिक समझाना चाहते थे, और यही रीजन है कि रूबी क्यूब का इन्वेंट उन्होंने इसी रीजन की वजह से किया था। एंड्रो रूबिक ने लकड़ी के 54 रंग बिरंगी छोटे छोटे क्यूब को इलास्टिक से जोड़कर एक बड़े क्यूब का निर्माण किया। इस क्यूब के 6 हिस्से होते थे और हर 6 हिस्से पर 6 रंगीन क्यूब थे। इसकी खासियत ये थी कि इसमें हर छोटे छोटे क्यूब को घुमाया जा सकता था, जिससे कि इसके रंग को कॉम्बिनेशन बदला जा सकता था। चैलेंज ये था कि इस तरह के घुमाया जाना चाहिए इसे कि सभी हिस्सों के रंग एक जैसे आखिर में हो जाए। रूबी क्यूब्स बनाने के बाद जब एंड्रो रूबिक्स ने इसे पहली बार घुमाया तब उन्हें समझ आया कि उन्होंने एक पजल का इन्वेंट कर दिया है, क्योंकि इस पजल को वापस कॉम्बिनेशन में करने में उन्हें भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि इस रूबी क्यूब्स को सिस्टमेटिक करने में के तकरीबन 430 ट्रिलियन से भी ज़्यादा तरीके हैं। आखिरकार एक महीने तक मशक्कत करने के बाद उन्होंने इस रूबी क्यूब्स की गुत्थी सुलझा ली और इसमें कामयाब रहे। इससे उन्होंने मैजिक क्यूब का नाम दिया। हंगेरियन भाषा में इसे बुओस कोका कहा जाता है। एंड्रो रूबिक ने अपने इस बनाए पजल गेम को मैजिक क्यूब नाम देकर इसे पेटेंट करा लिया और पेटेंट के लिए अप्लाई किया। उन्होंने 1975 में मैजिक क्यूब का पेटेंट मिल गया और इसके बाद इसकी सेल स्टार्ट हुई। उन दिनों हंगेरी में कम्युनिस्ट शासन होने के कारण वहाँ का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कम्युनिस्ट शासन का कंट्रोल किया जाता था। हंगेरी तक सीमित होने के कारण मैजिक क्यूब को ज़्यादा सफलता नहीं मिल पा रही थी। इसी टाइम के दौरान हंगेरी के एक बिजनेसमैन लिबर लग्जी एक दिन कॉफी शॉप में एक वेटर को मैजिक क्यूब खेलते हुए देखते। वो इस क्यूब से बहुत इन्फ्लुएंस हुए और अगले ही दिन उन्होंने एंड्रो रूबिक से मुलाकात कर इस क्यूब को वेस्टर्न कंट्री में बेचने के राइट्स हासिल कर लिए। टिबर लग्जी ने 1979 में न्यूरेमबर्ग टॉय फेयर में इसे प्रेजेंट किया। ब्रिटिश टॉय स्पेशलिस्ट टॉम क्रेमर को ये बहुत पसंद आया और उन्होंने ये पूरी दुनिया में बेचने के लिए तैयार हो गए। टॉम क्रेमर ने सबसे पहले मैजिक क्यूब के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स आइडियल कॉरपोरेशन को दिए। आइडियल कॉरपोरेशन ने इस खिलौने को नए नाम के साथ बाजार में उतारना चाहती थी, इसीलिए इसका नाम फिर से बदल कर रूबी क्यूब्स रखा गया। यह क्यूब इतना लोकप्रिय हुआ कि 1980 में इसे जर्मन गेम ऑफ द ईयर का रिवॉर्ड हासिल हुआ और ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस में भी इसे गेम ऑफ द ईयर का रिवॉर्ड हासिल दिया गया। इसकी पॉपुलरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसे 1982 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसे शामिल किया गया। साथ ही इस पर कई सारी बुक्स लिखी गई। अब तक लगभग 12 लैंग्वेज में इस पर 100 से भी ज़्यादा बुक्स लिखी गई है। बाद में इस रूबी क्यूब के जैसे कई सारे डुप्लीकेट क्यूब्स भी मार्केट में आए, जिससे कि इसकी सेलिंग में काफ़ी इफेक्ट हुआ। लेकिन आज भी ये खिलौना दुनिया की सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला खिलौनों में से एक है, भले ही इसे कोई पजल को सोल्व कर पाए या ना कर पाए। सोचने में अजीब लगता है, लेकिन क्या कोई एक खिलौने के दम पर मशहूर हो सकता है? लेकिन अपनी इस खिलौनों के दम पर एंड्रो रूबिक्स ने सिर्फ मशहूरता हासिल नहीं की, बल्कि हंगेरी के सबसे अमीर व्यक्ति भी बने। रूबी क्यूब्स के कुछ फैक्ट्स जानने से पहले, यदि आपने अभी तक होमस्टेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन को जरूर दबा दो, ताकि होमस्टेड के आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। रूबी क्यूब का पहला फैक्ट ये है कि 1982 में लोगों ने क्यूब सॉल्विंग इवेंट्स में कॉम्पिटिशन करना शुरू कर दिया। बुडापेस्ट में पहली बार विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी की गई थी
और इसमें विनर थे यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से मिन्हा थाई ने, जिसने 22.95 सेकंड में पूरा क्यूब सोल्व कर दिया था। रूबी क्यूब का दूसरा फैक्ट यह है कि सब वन नाम का एक रोबोट ने रूबी क्यूब्स को 0.887 सेकंड में सोल्व कर दिया। इसके अरेंजमेंट की साइट को कैप्चर करने के लिए इसने दो वेबकैम का इस्तेमाल किया था। इस रोबोट को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज किया गया है ये रूबी क्यूब सोल्व करने के लिए। मतलब कि एक इंसान के लिए इससे कम समय में रूबी क्यूब सोल्व करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। रूबी क्यूब का तीसरा और आखिरी फैक्ट ये है कि रूबी क्यूब 2015 में वॉलमार्ट में 111 मिलियन की सेलिंग के साथ सबसे अधिक बिकने वाला खिलौना था। मई 2014 में रूबी क्यूब्स के 40वें जन्मदिवस पर गूगल ने एक गूगल डूडल भी प्रोजेक्ट किया था, जिसमें कोई भी व्यक्ति 3D क्यूब के साथ खेल सके। तो दोस्तों बस आज के इन्वेंशन के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपको कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि होमस्टेड के आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मिलता हूँ अगले हफ्ते एक नए इन्वेंशन के वीडियो में। तब तक के लिए आप सेफ रहिए, हैप्पी रहिए, अपने आजू बाजू सफाई रखें, नियमों का पालन करें और ईमानदार बने।